हमें भड़काया जा रहा है कि तुम अपने धर्म ग्रंथ मत पढ़ो, ये सब बैकवर्डनेस है, इसके अंदर सिर्फ झूठ पाखंड भेदभाव के अलावा कुछ नहीं है। और विदेश में क्या हो रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाइए तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत को बाकायदा एस्टेब्लिश किया गया, जाके वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। और उसका सूत्रपात कहां से है, महाराष्ट्र की धरती से। सन 1794 में लंदन से एक मैगजीन निकलती है जिसका नाम है द जेंटलमैन। उसमें दो डॉक्टर हैं, थॉमस क्रूजो और जेम्स फिंडले, उन्होंने ये लिखा, एक पेपर पब्लिश किया कि सन 1793 में पुणे में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो टीपू सुल्तान की फौज में काम करता था, उसकी नाक काट दी गई थी और उसके मस्तक की खाल निकाल कर नाक के ऊपर सेट करके नाक को दोबारा पुराने जैसा कर दिया गया। और करने वाले, महत्वपूर्ण बात क्या है, कुम्हार जाति के लोग हैं जिनको आज ओबीसी कहा जाता है। यह किसमें लिखा हुआ है, ये लंदन की द जेंटलमैन मैगजीन में दो अंग्रेज लिख रहे हैं, इसमें कोई भारतीय नहीं और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। और इसके आधार पर मेलबर्न यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी दोनों ने सुश्रुत को इसका जनक माना है, और जिसमें 1100 से अधिक डिजीजेस का वर्णन है, 180 चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सारा डिटेल है। मगर हमारे यहां कहा जाता है कि नहीं, उसमें सिर्फ धूर्त था, पाखंड था और कुछ नहीं है, ये जो समझाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ये इसलिए समझने की जरूरत है कि भाषा के अंदर कितना ज्ञान और कितनी गहनता है। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, भाषा के अंदर जो साहित्यिक प्रभाव है, कहते हैं ना कालिदास वॉज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अरे भाई, कोई तुलना है, शेक्सपियर इतने 100 साल के बाद हुआ, कालिदास से क्या तुलना। और तुलसीदास ने 1,40,000 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया है, और जहां तक मैंने पढ़ा था शेक्सपियर ने शायद 18-19,000 शब्दों का प्रयोग किया है। तुलसीदास से तुलना नहीं शेक्सपियर की, कालिदास से क्या तुलना करने लगे। जिस जिस प्रकार की सुंदर उपमाएं हैं, जिस जिस प्रकार की, मतलब आपको शायद ये पता हो कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, किसने कहा था, किसी इंडियन ने नहीं कहा था, विलियम जोन्स जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, जिन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई, उन्होंने कहा। उन्होंने सबसे पहला कौन सा ग्रंथ ट्रांसलेट किया और क्यों वो आकर्षित हुए, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन हो रहा था, उसमें जो शकुंतला की विदाई का दृश्य दिखाया जा रहा था वो देख के, कुछ वहां पे कोई लोग थे जिनको टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, उन्होंने बताया, तो उपमाएं सुनकर इतने प्रभावित हुए विलियम जोन्स, उनको लगा ये मुझे रियल में पढ़ना चाहिए, ओरिजिनल भाषा में। तब उन्होंने बड़ा जुगाड़ करके संस्कृत सीखी, कि उनको कोई संस्कृत सिखाने को तैयार नहीं था, उसने कहा कि भाई ये मिलेच्छ है, इनको थोड़ी सिखाएंगे संस्कृत, पर उन्होंने सीखी। और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम और विद्याधर का हितोपदेश, जिसको यूरोप में फेबल्स ऑफ द बीदा पाई कहते हैं, क्योंकि विद्याधर वो बोल नहीं पाते थे, वही व्याकरण वर्तनी का अंतर आ जाता था, तो उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया। और जब उसने ओरिजिनल पढ़ी तो विलियम जोन्स ने लिखा है कि उसको पढ़ने के बाद, खासकर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ सर्ग में, शकुंतला के विदाई के दृश्य में जो उपमाएं दी गई, मैं परप्लेक्स्ड हो गया कि ह्यूमन माइंड का इमेजिनेशन इतना ऊपर हो सकता है। मगर वो हमारे यहां कभी उस चीज से एकदम काट दिया गया। मैंने एक, मतलब मुझे पूरी कविता नहीं याद है, कहा जाता है कि कालिदास अंतिम समय में जब वो श्रीलंका गए, एक जनश्रुति है, तो वो एक गड़िका के यहां चले गए थे, उसने कहा राजा ने वो दी है समस्या पूर्ति, तो उस पर कविता बनानी होती थी, तो राजा ने समस्या पूर्ति ये दी थी, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, यानी कमल के ऊपर कमल उगता है ये सुना जाता पर दिखाई तो नहीं पड़ता। कालिदास ने कहा बस, वो पूरी कविता मुझे नहीं याद है, उन्होंने एंड यहां पर किया कि पहली लाइन थी कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते, अंत में उन्होंने कहा बाले तव मुखाम्बुजम कस्मिद इंदीवर द्वयम। अंबुज कहते हैं कमल को, यदि यह नहीं दिखाई पड़ता तो तुम्हारे कमल रूपी मुख के ऊपर दो कमल रूपी नयन कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। अब बताइए किस ढंग से उन्होंने उस पूरी समस्या पूर्ति को कर दिया। मतलब मैं आज की पीढ़ी के लिए कहता हूं, मतलब मैं तो कह रहा हूं भैया तुमको बहुत प्यार मोहब्बत और इसकी बात आती है तो तुमको क्या याद आता, लैला मजनू, सीरी फरहाद, सलीम अनारकली, जोधा अकबर, यही याद आते हैं। मेरे भाई अगर उसमें भी पढ़ना है, पढ़ लो दुष्यंत शकुंतला की कहानी, स्वप्न वासव दत्ता, राजा उदयन और वासव दत्ता, चंद्रापीड की कथा, और जिस जिस प्रकार की उसमें कथाएं हैं,
अगर आप मालविका अग्निमित्रम अग्निमित्र मालविका की प्रेम कथा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसको आप शेर व शायरी कह के बहुत प्रभावित हो जाते हैं, ये उसके आगे कुछ नहीं लगेगी, इतनी गहरी उपमाएं उसके अंदर है। तो मैंने इसलिए कहा साहित्य हो, विज्ञान हो, राष्ट्रवाद हो, सबके साथ किस प्रकार से जोड़ा जाता है। और देखिए जोड़ने में तोड़ने के तत्व कहां पे खोजे जाते हैं। मैं जब पहली बार यहां आया 2005 में भाजपा की राष्ट्रीय परिषद थी मुंबई में, 31 दिसंबर 2005 को वो समाप्त हुई। तो अंत में प्रमोद महाजन जी ने वो यहां का बड़ा प्रख्यात जो नाटक है जो हर जगह दिखाया जाता है जानता राजा, उसका मंचन किया। और जानता राजा के अंत में क्या बोला जाता है, अंतिम वाला छंद याद है, इंद्रजिमी जम्ब पर बाड़व सुगम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। ये शिवाजी के राज्य के बारे में, इसका अर्थ आप लोगों को पता हो तो आपको उसकी फिर ध्वन्यात्मक कहते हैं, इंद्र जिमी जम्ब पर, जिम्भासुर एक वृत्तासुर था ना, इसको इंद्र ने हराया था, जैसे इंद्र क्यों, इंद्र वृत्तासुर पर, इंद्र जिमी जम्ब पर, बाड़व सुवंब पर, बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग, समुद्र की अग्नि के ऊपर समुद्र, रावण सदम्ब पर, अहंकारी रावण पर रघुकुल राज है, और पवन वारिवाह पर, यानी पानी के करंट के ऊपर जैसे हवा दौड़ती है, पवन वारी वाह पर शंभु रति नहा पर, शंभु तो शंकर जी, रति के स्वामी यानी कामदेव को जिनको भस्म, शंभु रति नहा पर जो सहस्र बाहु पर, राम द्विज राम, सहस्र बाहु को परशुराम ने उसकी 1000 भुजाएं काटी थी, द्विज राम यानी ब्राह्मण राम, जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, और दावा द्रुम दंड पर, दावानल कहते हैं जंगल की अग्नि को, और जंगल की अग्नि सबसे प्रखर तब होती है जब वो बांस के जंगलों में लगती है, द्रुम दंड को कड़कड़ करती हुई पूरी अग्नि फैलती चली जाती, दावा द्रुम दंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, जैसे हिरणों के झुंड के ऊपर सिंह है, और कान जिनी कंस पर, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, तेज तम अंश पर, और त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये लिखा गया है अवधि में, सुनाया जाता है मराठी के नाटक में, और प्रेरणा देता है राष्ट्रवाद की। ये जोड़ने के तत्व थे, मगर इसके बाद उसमें तोड़ने के तत्व कैसे निकाले जा सकते हैं, आज सारा का सारा अभियान षड्यंत्र इसी पे चल रहा है। अगर आपको ध्यान हो शिवाजी की जब सेना चलती थी तो उसके लिए जो बोला जाता है उसी नाटक में वो क्या है, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारे, सारे जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। ये तो समझ में आएगा, वो चतुरंगणी सेना को सजाकर शिवाजी जंग को जीतने के लिए चलते हैं। आगे कहते हैं भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नगाड़ों का नाद इतना वृहद है कि नदी नदमद गैबरन में रलता है, सब नदियों नारे लहराना शुरू कर देते हैं, और ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, जब वो फैलती उनकी सेना निचले इलाकों में जाती है तो ऐसा गुबार उठता है कि गजन की पैल ठैल सैल उछलत है, गज मतलब हाथियों की पैर की धमक से ऐसा लगता पर्वत उछलने लगते हैं, और उस उससे जो धूल निकलती है उससे लगता है सूर्य इस कदर ढक जाता है कि वो तारे जैसा दिखने लगता है, तारा सो तरनी धूरी धरा में परती जी में। और फिर वो कहते हैं ऊपर से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका एक समुद्र है सेना का, और वो कैसा दिखता है धरती के ऊपर, जैसे थाली पर आप पारे को लिख दे रख दें तो पारा हिलता डुलता दिखता है, तो ऐसा लगता है उनकी सेना का समुद्र इस धरती रूपी थाली के ऊपर हिलता हुआ चला, थारी पर पारा पारा वारियों हलत है। अब ये तो अर्थ बताया, मगर इसी को जब पूरे धुन में गाया जाता था जो उसकी रिदिम थी उसको आप सुनिए तो आपको एक अलग अनुभूति होती है, क्या कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन में रलत है, एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की पहले ठैल सैल उछलत है, और तारा सुतरनी धूरी धरा में परती जी में, थारी पर पारा पारा वारियो हलत है। अब बताइए इससे बढ़िया रैप मिलेगा कहीं, इससे ज्यादा टंग ट्विस्टर कोई मिलेगा कहीं, इससे ज्यादा राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिलेगी कहीं, इससे ज्यादा उत्साह मिलेगा। उसकी बजाय अंग्रेजी के आतुकांत शब्दों को जोड़कर रैप बनाते हो मेरे भाई, भाषा की महानता देखो, संस्कृति की विराटता देखो, उसके अंदर मिलती हुई प्रेरणा देखिए, तो सारी की सारी चीजें आपको एक साथ नजर आती हैं। इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं फिर भी कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने की होती हैं। जानते हैं क्या होता है, हमारे सारे धर्म ग्रंथ कुछ प्रेरणा देते हैं,
जब माता सीता हरण करने के लिए रावण आया था तो आसुरी वेश में आया था क्या? साधु का वेश बना के आया था। तो अक्सर आसुरी शक्तियां साधु का आवरण ओढ़ के आती हैं। वो अपने को कहती हैं हम लिबरल हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, हम तो ओपननेस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। और इतनी मजेदार बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा जानते हैं कौन सी दो शक्तियां एक हो जाती हैं जो सीए के आंदोलन से आते हैं? देखो, लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट और फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। और मजे की बात यह है कि आप दुनिया में एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई, चाहे रशिया हो या चाइना। और एक मुस्लिम देश बता दीजिए जहां कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित ना हो। अच्छा चलिए, एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और एक मुस्लिम देश बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। तो गजब है साहब, पूरी दुनिया में जो एंटीथीसिस है फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबरलिज्म के, और इतना ही नहीं, एक दूसरे से ऐसे दुश्मनी है, मतलब उसको शब्दशा न लिया जाए, मैं प्रतीक में कह रहा हूं, सांप मेवले की लड़ाई है। वो यहां पे आके एक होके हमको लेफ्ट लिबरल होने का ज्ञान देते हैं। इसे ही कहते हैं कि कैसे आवरण में धड़कर आता है और आपसे कहता है मर्यादा की सीमा के बाहर आ जाओ लक्ष्मण रेखा के। और गलती से कोई चला जाए तो बस फिर क्या गति होती है, तो रावण के चंगुल में जाना पड़ता है इसीलिए। और वो चीज क्या है, अब एक और बात समझिए, एक दूसरे प्रकार का भी रावण आ रहा है जिसे समझना चाहिए। थोड़ा सा विषय लेके बताना चाहता हूं, ये रावण के 10 ही सिर क्यों थे, 8 या 12 क्यों नहीं, 20 या 25 क्यों नहीं, और एक सर कटता था दूसरा क्यों उगाता था, और अगर 10 ही सिर थे तो उसका नाम दशानन क्यों था, 10 मुख वाला क्यों था, 10 शीश 10 ग्रीव 10 कंधर 10 उदर क्यों नहीं था? एक्चुअली में रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक है, और दशानन इसलिए कि 10 इंद्रियों की खुली हुई बहिर्मुखी पिपासा, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। एक सर कटेगा दूसरा उगाएगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक किसी इंद्रिय की इच्छा पूरी करो, इमीडिएटली इट गेट रिप्लेस बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। इसलिए यानी क्या है, वही जो आजकल कंज्यूमरिज्म मार्केटिज्म बच्चों को पढ़ा रहा, दिल मांगे मोर, और चाहिए हर गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो 3 प्रकार की ड्रेसेस चाहिए, 6 प्रकार की स्ट्रिप्स चाहिए, जूते अलग प्रकार के चाहिए, फिर ये भी खाने में चाहिए, 56 प्रकार की आइसक्रीम चाहिए, वगैरह वगैरह। और वो 10 इंद्रियों, और उसको कभी समाप्त नहीं हुआ, एक सर कटेगा दूसरा उगाएगा। जिस दिन आपके पास कार आएगी आपको बड़ी कार की चाह हो जाएगी, फिर मर्सिडीज, फिर BMW, फिर प्राइवेट जेट, और प्राइवेट जेट में भी सुपरसोनिक जेट, और फिर पता नहीं क्या क्या होता रहेगा, उसका कोई अंत नहीं रहेगा। तो आखिर में उसको समाप्त कौन करेगा, धर्म की स्थापना कैसे होगी, राम समाप्त करेंगे। राम शब्द का अर्थ है रमन्ते इति रामः, रम शब्द का अर्थ होता है रमना, किसी में सेटिल होना, रमणीक स्थान, रमता जोगी, रमन्ते इति रामः, वह तत्व जिसमें सारा संसार सेटिल्ड है, द एलिमेंट इन विच द एंटायर यूनिवर्स इज बिहेल्ड, वह एब्सोल्यूट एलिमेंट है राम। और राम के पिता कौन है, दशरथ। जब 10 इंद्रियों को रथ लेंगे तो हृदय में वो एलिमेंट पैदा होगा जो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करेगा। तो रावण कई प्रकार से आ रहा है, वो लेफ्ट लिबरल बन के भी आ रहा है, और वो बनके, और देखिए कितनी मजेदार बात है, महिला एक्टिविस्ट जो लेफ्ट लिबरल थी, जो मिनी स्कर्ट पहनने को लेकर तो बहुत आक्रामक हो जाती थी, और वही हिजाब के साथ खड़ी थी बुरके के साथ, मतलब इससे बड़ा आप डाइकोटोमी ऑफ द करेक्टर नहीं देख सकते। और इतना ही नहीं, वो ट्रिपल तलाक और हलाला के भी पक्ष में खड़ी हुई थी, इससे ज्यादा आप मजाक क्या समझ सकते हैं कि इसका मतलब उनका किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं था किसी भी चीज से, केवल उनको एक धर्म संस्कृति के बारे में बात कर वो करनी थी। इसलिए मैं कहता हूं उस रावण को समझिए भली भांति, और उसका प्रतिकार करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि देखिए, और अपनी लक्ष्मण की मर्यादा रेखा न लांघिए, क्योंकि रावण आजकल जानते किस रूप में आ रहा है कि वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हैं, संग गीत था टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। तो समझिए वो उस रूप में आ रहा है। और फिर अंत में कहता हूं, मगर अब जरा गौर से देखिए ये देश जा कह रहा है, 2 मिनट और लेता हूं। जिसको लोग कहते हैं ना ये तो बड़ा एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया है, वो एक्सट्रीम राइट विंग की डेफिनेशन हर 20 साल में बदल जाती है, और वो राइट विंग अब सेंट्रिस्ट आइडिया हो जाता है। उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी,
1905 में जब लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज की बात कही थी तो उनको क्या कहा गया था, राइट विंग फंडामेंटलिस्ट। ये क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, वॉयसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात थी, ये पूर्ण स्वराज की बात कहां से ले आए? ये तो एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया है। लोगों ने कहा यह हो ही नहीं सकता, यह असंभव है, अरे अंग्रेज के राज में सूरज नहीं डूबता है। ये 1905 का दशक था। आपने देखा 20 साल गुजरे, तिलक के मित्र गोखले, गोखले के शिष्य गांधी, द मूवमेंट फॉर स्वराज हैज बिकम अ रियलिटी। यानी जो राइट विंग आइडिया था वो अब मॉडरेट एंड एक्सेप्टेड आइडिया हो गया। अब वहां राइट विंग कौन थे? कांग्रेस के अंदर का जिसको हिंदू एलिमेंट कहा जाता था या हिंदूवादी विचारधारा के नेता कहे जाते थे, सरदार पटेल, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, और 20 साल गुजरे 47 स्वतंत्रता के बाद ये सब सरकार के हिस्से हो गए। अब ये एक्सेप्टेबल हो गया राइट विंग। अब राइट विंग का प्रतीक कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं 50 के दशक में। और 20 साल गुजरे, याद करिए 60 के दशक का अंत होते होते पुराने लोगों को याद होगा कि लोहिया जी और दीनदयाल जी के बारे में कहा जाता, दीनदयाल जी ने कहा लोहिया जी राष्ट्रवादी समाजवादी हैं, और लोहिया जी ने कहा दीनदयाल जी समाजवादी राष्ट्रवादी हैं, और हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकारें बन गई कई राज्यों में। अब वो एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया मॉडरेट एंड एक्सेप्टेड हो गया। अब 70 के दशक में राइट विंग का प्रतीक कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और 20 साल गुजरे, 90 का दशक, अब अटल जी एक्सेप्टेबल थे, अब अडवाणी जी राइट विंग थे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे कह रहे हैं, बताइए कैसे हो सकता है? और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक, अब अडवाणी जी स्वीकार थे, मोदी जी राइट विंग है। मगर आप 125 साल में देखिए वो उत्तरोत्तर द डायरेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। इसलिए आप यह विश्वास रखिए कि नियति ने तय कर रखा है कि अगले 20 साल बाद क्या होने जा रहा है, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। जिन्होंने इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसपे मैं मजाक में कहना चाहूंगा, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती थी, घर में जो चीजें बहुत पुराने हो जाते हैं तो कहते हैं भाई ये पुराने हो गए कपड़े, पुराने, फिर कहते हैं बहुत पुराने हो गए, फिर अगली स्टेज होती पुराने धुराने हो गए, फिर होता है कि फटे पुराने हो गए। तो वो उत्तरोत्तर उस स्थिति में जा रहे हैं, और लेफ्ट, लेफ्ट इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। चाइना तो नाम का लेफ्टिस्ट है, वो तो कैपिटलिस्ट से भी ज्यादा बड़ा कैपिटलिस्ट है। तो इन दो जगहों के अलावा अभी वो और दो जगहों पे बचे हुए हैं, एक है केरल और एक है इंडियन इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट एंड मीडिया। क्योंकि लास्ट में जिसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, आज एक भी सांसद नहीं है, पर एस्टेब्लिशमेंट पे आज ऐसा कब्जा है कि जो कश्मीर फाइल्स में वो डायलॉग था ना, उसको गंभीरता समझने की बात है। सरकार भले ही उनकी हो, सिस्टम हमारा है, तो वो अभी ऐसी ऐसी जगहों पे हैं कि यूपी में बुलडोजर चला था ना, बुलडोजर से काम नहीं चलेगा, वैक्यूम क्लीनर लाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कहां कहां पे हैं। तो वो सारी चीजें अपनी जगह समाप्त हो रही हैं। अभी बंगाल में कहा गया भाजपा हार गई, अरे क्या बात आप कर रहे हैं? जस्ट 10 years बैक इन 2011, अदर देन चाइना द बिगेस्ट पॉपुलेशन अंडर लेफ्ट रूल वॉज वेस्ट बंगाल। वहां से लेफ्ट साफ, नहीं लाल भी साफ, हरा भी साफ। अब बंगाल में इस बात तो हो रहा है कि हम गहरे भगवे नहीं, हम हल्के भगवे हैं, चंडी पाठ करके दिखा रही ममता, उसके बाद आप कह रहे हैं भाजपा हार गई। साहब इतना बड़ा वैचारिक परिवर्तन आया, और कम्युनिस्टों का कितना बड़ा पतन आया, जो कहते थे धर्म एक अफीम है, वो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नची, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सजदे में गठबंधन कर लिया बंगाल में धर्म गुरु के साथ, जो कहते थे धर्म एक अफीम है, जो वंशवाद के खिलाफ थे, केरल के मुख्यमंत्री ने अपने दामाद को टिकट देके मंत्री बना लिया, मोहम्मद रियाज को, पिनारी विजयन ने। तो उनके सारे विचार समाप्त हो गए, अब आश्वस्त रहिए। देखिए प्रकृति की नियति एकदम साफ है, मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ मोदी जी नहीं है, ये मोदी जी नियति के बड़े परिवर्तन का एक माध्यम है। कैसे? 1901 में, 1 जनवरी 1901 को इस देश में किसकी सरकार थी?
पूरे देश में अंग्रेजों की। 1 जनवरी 1951 को इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में कांग्रेस की। 1 जनवरी 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पर गिरी तो किसकी सरकार थी? केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, और अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की। मतलब बहुत साफ है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। और बिल्कुल आप इसको ऐसे समझिए कि हम वो सारे काम कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद जब तक कहते थे ना उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में ना पहुंचा, मोदी जी ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया? बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, 42 करोड़ लोगों को जोड़ा। फिर क्या किया? बिगेस्ट फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, बिगेस्ट वैक्सीनेशन, बिगेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम, उज्ज्वला योजना में चाहे गरीब महिलाओं को गैस देना हो, शौचालय देना हो, घर देना हो। पहले समाज के सबसे कमजोर तबके को सशक्त किया, फिर इस देश को सशक्त किया। डिफेंस प्रोडक्शन में पहली बार यह देश आत्मनिर्भर हो रहा है। और मजे की बात यह कि मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं तमिलनाडु में और यूपी में। अब ब्रह्मोस मिसाइल, पहली बार इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल भारत एक्सपोर्ट करेगा। फिलीपींस पहला देश बना जिसने भारत को ऑर्डर बुक किया है, उसका एक हिस्सा लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में ही बनेगा। बताइए, यूपी में उससे पहले कट्टे बना करते थे, अब जो है ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। इतना बड़ा परिवर्तन आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये हमने चाहे जमीन से परिवर्तन हो और चाहे सोच में परिवर्तन हो कि काशी विश्वनाथ भी उठते हुए दिख रहे हैं, राम मंदिर की पताका भी दिख रही है, और फिर चाहे केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति हो, या तेलंगाना में रामानुजाचार्य जी की मूर्ति हो, या गुजरात में हनुमान जी की मूर्ति हो। और बदलाव देखिए कितना बड़ा आ रहा है कि मैंने कहा ना कि ममता जी चंडी पाठ कर रही हैं, प्रियंका जी देवी स्तुति कर रही हैं, केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और अखिलेश यादव को तो सपने में भगवान नजर आ रहे हैं। उसके बाद लोग कहते हैं परिवर्तन नहीं दिख रहा है साहब, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये काल चक्र का परिवर्तन है। कोई आपसे कुछ भी बहस करे, कह दो भाई तुझे काल चक्र के साथ आना हो तो आ जा, नहीं आना हो तो तुम्हारी नियति है, क्योंकि यह तो तय है कि यह भविष्य में होना। मगर बस एक बात ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण ने सारा उपदेश दिया था गीता का, उसके बाद भी क्या अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया था? नहीं आया था ना। उसने हमारा सब कुछ ठीक है, पर कैसे इतने शक्तिशाली लोग कैसे लड़ेंगे? तो फिर भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था। और उसके बाद उन्होंने कहा देखो ये तो नियति ने तय कर रखा है कि तुम्हें सिंहासन में बैठना, बाकी सबको भूमि पे पड़ा होना है। तो उन्होंने कहा महाराज जब ये तय है तो फिर आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन बैठा होऊंगा और बाकी भूमि पे होंगे, फिर काहे बात का रक्तपात। उन्होंने कहा तय तो है पर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। तो उसी प्रकार भगवान ने नियति तो दिखा दी है, बस आपको कर्म करना है। जैसे आपके मोबाइल में कोई गाना टेप है तो बजेगा तो वही जो टेप है, पर एक बार पुश तो करना पड़ेगा ना। तो बस उंगली का सही प्रयोग करते रहेंगे और सबको प्रेरित करते रहेंगे कि उंगली का सही प्रयोग करें तो सब सही दिशा में जाता रहेगा। और ये भी आप बात समझिए, हम सब यदि बुद्धिजीवी हैं तो मां सरस्वती के साधक हैं, उनका आसन क्या है? कमल। और दूसरी आवश्यकता आजकल मां लक्ष्मी की रहती है, उनका आसन क्या है? कमल। तो कमल जितना मजबूती से खिला रहेगा समझिए उतना ही सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा रहेगी। तो इसमें आप इसको विधिवत समझिए। और एक और जो परिवर्तन आया देश में वह भी समझिए कि इससे पहले हमें सॉफ्ट स्टेट माना जाता था। हमें यह माना जाता था कि मतलब दुनिया में कहीं होता है बड़ा ताकतवर छोटे कमजोर को सताता है, यहां छोटा कमजोर हमको सताता था, हम सिर्फ ये कह रहे थे मुझे सताया जा रहा है। अब मोदी जी ने आने के बाद वो खत्म कर दिया और उन्होंने दिखा दिया कि द एरा ऑफ इंडिया जो सॉफ्ट स्टेट इज ओवर, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो। जो परिवर्तन आया वो इतना बड़ा परिवर्तन आया कि पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान ने कहा कि जो बालाकोट में इन्होंने किया उससे ज्यादा खौफनाक करना चाह रहे हैं। याद करिए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आर्मी चीफ, ये पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला है
कि नए आर्मी चीफ आए और उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। इतना बड़ा परिवर्तन कभी देखा था? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने भगवान के सब रूपों की आराधना की है। वो रूप क्या है? बहुत दिन हम सुने थे ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये हम लोगों ने सबने बचपन में ये सुना है। हमने वो भी रूप देखा तो अब जरूरत पड़ने पर तो ये भी रूप दिखेगा कि धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। इसलिए सब कुछ तय है, आश्वस्त रहिए। और हमारे पास नियति ने एक ऐसा नेतृत्व भी दे रखा है मोदी जी के रूप में, जिसने यह प्रण लिया है, और आप सब उस प्रचारक जीवन में हैं। मैं ये कह के बात समाप्त करता हूं कि भगवान शंकर, आजकल ज्ञान व्यापी का विषय ही चल रहा है, भगवान शंकर ने तो कंठ धारण करके, कंठ में विष धारण करके जगत का कल्याण किया था, और तो शायद उन्हीं का व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देता है कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है। ये संघ की कविता हम सबको याद होगी और लिखी अटल जी ने, यह और भी प्रासंगिक हो जाती है। और चरितार्थ मोदी जी कर रहे हैं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं, वनवासी हूं, दीन दुखी मानव के दिल में रहता हूं, सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं, शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। पर उसके साथ अब इसे हिंदू कह लीजिए या हिंदुत्व कह लीजिए, एक दूसरा पक्ष भी है कि प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। इसलिए मैं ये कहते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं कि हमारा स्वर्णिम भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है, गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है, गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नरेंद्र फिरोदिया जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, और जिनकी स्मृति में यह व्याख्यान माला आयोजित हुई है, गणेश माधव मूले जी, बंटूपन जी मूले, जिनके बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति हुई। जब ऐसे महापुरुषों के स्मृति आप करते हैं तो स्वतः वह स्मृति हमारे मानस पटल के ऊपर छा जाती है, वह प्रेरणा जो ऐसे लोगों ने अपने जीवन से दी कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यह प्रचारक जीवन का ध्येय जिसे लेकर हजारों प्रचारकों ने कई पीढ़ियों तक इस वृक्ष को सींचा और आज वह विराट वृक्ष के रूप में संपूर्ण भारत में दिखाई पड़ रहा है। और यह भी एक सुखद संयोग है कि इस समय उस सर्वोच्च पद से मां भारती की सेवा भी एक प्रचारक ही कर रहा है, जिसका भी यही ध्येय है कि स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, क्योंकि 8 वर्ष में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। अब जब दिल्ली से आते हैं और यहां की धरती पे आते हैं और विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हो, बहुत चर्चा होती है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व क्या है, कोई कहता 100 साल पुराना है, कोई कहता 125 साल पुराना है, कोई कहता आरएसएस का क्रिएशन है, कोई कुछ कहता है। परंतु जब महाराष्ट्र की धरती पर आइए और दिल्ली से आइए, अरे मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का वह उद्घोष याद आता है कि राखी हिंदुवानी, हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुन सुनी में, और भूषण सुकवि जीत हद मर हठन की, देश देश कीर्ति जाकी बखानी में सुनी मैं, और शाही के सपूत शिवराज समशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दुनी में।
यानी जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर दिल्ली को दबाकर मुगल काल में उससे दुगना अपना स्तर बना के रखा था, उस धरती पर आकर आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। वैसे आजकल उनके उत्तराधिकारी ऐसा लगता है जो स्वघोषित उत्तराधिकारी तो इटली दल से दबे हुए हैं। फिर अब जब यहां पर आप आते हैं तो मैं उन सारे महान मार्क्स के मानस पुत्रों को बताना चाहता हूं, ये तो 400 साल पहले लिखा गया। वही हिंदुवानी क्या है, हिंदुत्व ही तो है। और आप कहते हैं 100 साल पहले, 125 साल पहले लिखा गया, कोई बात नहीं। अब हम जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसका स्वप्न, जिसका बीजारोपण छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, बाद में पेशवाई एम्पायर में वो पूरे भारत में एक विराट रूप में पहुंचा, वो क्या है? आप इसको एक, इसके दो प्रकार के व्याप समझिए। देखिए, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो कहा जाता है कि किसी भी स्थिति का जो निर्धारण है वो दो तरीके से होता है। एक होता है स्पेस में, 20वीं शताब्दी तक माना जाता था किसी भी चीज का निर्धारण स्पेस में किया जा सकता है। स्पेस मतलब जिस जगह में। फिर आइंस्टीन ने उसमें एक दूसरा डायमेंशन ऐड किया स्पेस के, एक्स वाई जेड के अलावा, चौथा डायमेंशन टाइम। क्योंकि उसने कहा कि ये जो यूनिवर्स है ये खाली स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है, जिसमें स्पेस भी है टाइम भी है। तो जरा आप देखिए कि जिसको हम अपना सांस्कृतिक, जिसको हम अपना राष्ट्रवाद कहते हैं, उसका स्पेस में व्याप क्या है और टाइम में व्याप क्या है। अभी आप सब ने हमको यहां की अधिष्ठात्री देवी महादेवी जी का चित्र, उनकी मूर्ति मिली। आप सभी जब इनके मंदिर में जाते होंगे और श्रद्धा से देवी जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाते होंगे तो मस्तक से वह श्रद्धा कहां कहां तक जुड़ती है। वो उत्तर में वैष्णो देवी से जुड़ती है, पूर्व में कामाख्या और त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा और असम से जुड़ती है, दक्षिण में कन्याकुमारी से जुड़ती है, मध्य में विंध्याचल से जुड़ती है, पश्चिम में तो आप हैं ही मुंबा देवी से भी जुड़ती है, और इतना ही नहीं वो ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ती है और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जुड़ती है। यानी राजनीतिक दृष्टि से कोई भी क्षेत्र हमारा कहीं भी चला गया हो, जिस समय हम किसी भी श्रद्धा के सांस्कृतिक प्रतिमान पर या श्रद्धा के सांस्कृतिक दैवीय प्रतिमान पर अपनी श्रद्धा झुकाते हैं तो उस सब पूरे व्याप में हमारा श्रद्धा का केंद्र जुड़ जाता है। और इतना ही नहीं जुड़ता है, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी टोक्यो में थे तो उन्होंने एक बात बोली थी, जापान में एक देवी है जिनको कहा जाता बाइजेंटाइन, वो देवी किसकी है, गॉडेस ऑफ विजडम। उनका आसन क्या है, लोटस, हाथ में क्या है, वीणा। अब कुछ कहने की आवश्यकता है कि वो किसकी प्रतीक है? यह मेरा अनुमान है, शायद बैजेंटाइन शब्द वीणा वादनी का ही अपभ्रंश हो। यह तो हुआ सुदूर पूर्व में, अब सुदूर पश्चिम में जाइए। अगर आप में से कुछ लोग अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन गए हों तो जैसे यहां आप दिल्ली जाइए तो अनेक राज्यों के नाम पे भवन है, महाराष्ट्र सदन है, उत्तर प्रदेश सदन है, मध्य प्रदेश भवन है, वैसे ही वॉशिंगटन डीसी में राज्यों के नाम पे सड़कें हैं, एवेन्यू। तो मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे इंडोनेशिया की एम्बेसी है। इंडोनेशिया क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, और उसकी एम्बेसी के बाहर जाके देखिएगा 12 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है, उसके नीचे तीन बच्चे बैठे पढ़ते दिख रहे हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे कल्चर का प्रतीक है। अब आप सोचिए, यहां बैठकर आपने देवी जी के आगे श्रद्धा से सर झुकाया और विश्व के पूरे व्याप तक जाकर आपकी चेतना एकाकार हो जाती है, यह है हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का व्याप। परंतु इसे समझने के लिए विराट बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि, बहुत ही क्षुद्र बुद्धि नहीं चाहिए। और इसीलिए, और इतना ही नहीं, उसका अंतर क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। 15 अगस्त 2016 को जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, उस दिन मैं शाम को एक अंग्रेजी चैनल पर डिबेट में था, मैं पहले भी बता चुका हूं और आप जाके चेक कर सकते हैं, उस समय वह टाइम्स नाउ पे, उस समय अर्णव गोस्वामी वाली ही डिबेट में था।
अब वहां वॉशिंगटन डीसी से एक बलूच नेता बैठे हुए थे, अहमद मुस्ती खान, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद थे। अब उसने ये कहा, बलूचिस्तान बलूच नेता ने जो अमेरिका से बैठा था, कि इन दिस इंटायर रीजन, यानी रीजन जिसमें पाकिस्तान है, कहता है एवरी कंट्री इज हैविंग एन आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर। उसने कहा कजाक से कजाकिस्तान है, उज्बेकों से उज्बेकिस्तान है, अफगानों से अफगानिस्तान है, बलूचों से बलूचिस्तान है। देन ही सेड इफ देयर इज एनी वन फेक कंट्री इन दिस रीजन व्हिच इज हैविंग नो आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री, दैट इज पाकिस्तान। अब ये सुनने के बाद जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे वो थोड़ा से नाराज हुए। उन्होंने कहा व्हाट यू आर सेइंग इट मींस यू आर नॉट पाकिस्तानी। अब देखिए बलूच नेता क्या कहता है, यस वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर बलूच। तो वो कहता है कि पाकिस्तानी नहीं तो आर यू हिंदुस्तानी। अब सुनिए आगे वो क्या कहता है, कहता है यस वी आर बलूच, वी आर नॉट पाकिस्तानी एंड वी आर हिंगलाज माता की संतान। देखिए हिंगलाज माता का मंदिर बलूचिस्तान। अब सुनिए इसके बाद तो उसका आपा खो जाना स्वाभाविक था। अब वो अंग्रेजी चैनल में हिंदी पे आ गया, अब वो अबे तबे पे आ गया और उसने कहा अबे हिंगलाज माता क्यों, फिर भारत माता ही बोल दे। अब इसके बाद उस बलूच नेता ने बोला हां मैं फिर, उसने भी हिंदी में बोला, हां मैं फिर कहता हूं हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय। वैसे ये बोलने के बाद उस डिबेट में क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं, फिर उनमें और पाकिस्तान के प्रतिनिधि में ऐसी लड़ाई हो गई कि हम लोग तो गायब हो गए। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसा सूत्र है कि राजनीतिक दृष्टि से वो हिस्सा किसी के भी पास चला जाए, आपकी भावना संस्कृति और संस्कार से जुड़ा रहता है। इसीलिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन, यानी भू राजनीतिक राष्ट्र नहीं, राज्य वो है जो एक जमीन का हिस्सा एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होता है, राष्ट्र वो है जो श्रद्धा के एक केंद्र से गवर्न होता है। उसमें वह हिस्सा किस पॉलिटिकल पावर के पास है उससे ज्यादा यह महत्व होता है कि आप उसके साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। आप देखिए हमारे राष्ट्रगान में पंजाब सिंध गुजरात मराठा है कि नहीं, सिंध तो हमारे राजनीतिक राष्ट्र का हिस्सा नहीं है पर हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र का हिस्सा है। ननकाना साहब, करतारपुर साहब हमारे पॉलिटिकल टेरिटरी का हिस्सा नहीं है पर हमारे कल्चरल नेशनलिज्म का हिस्सा है। सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे सिंधु सारस्वत सभ्यता कहते हैं, उसका बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान में चला गया, क्या कोई उसको पाकिस्तान का कल्चर मानता है, कोई पढ़ाता है उसमें हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। गांधार आज हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी का हिस्सा नहीं है मगर गांधारी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मैं कहता हूं हमारी संस्कृति का व्याप क्या है इसे समझना चाहिए और उसका प्रभाव क्या है यह भी समझना चाहिए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति की महानता जानते क्या है, बाकी दुनिया में जितने धर्म और संस्कृति हैं उसमें सिर्फ उस धर्म और संस्कृति को मानने वाले उसको मानते हैं। हमारे यहां जो यदि हिंदू को एक रिलीजन माने तो हिंदू तो धर्म है, तो जो उसको नहीं भी मानते यानी उस धर्म के या उस पंथ के या उस पद्धति के अनुयायी नहीं है वो भी हमारे प्रतीक को अपना मानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में एक देश बताइए जिसका राजा टाइटल होल्ड करता हो किंग रामा, वो है थाईलैंड, जहां का राजा टाइटल होल्ड करता किंग रामा द 10th। आप सब यहां भगवान गणपति की पूजा करते हैं, कोई एक देश बताइए जिसके नोट के ऊपर गणपति का चित्र हो तो वो भारत नहीं है, वो है इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। यदि आपसे पूछूं कि कोई एक देश बताइए जहां की फर्स्ट लेडी आज भी ये मानती हो कि उनकी वंशावली भगवान राम से शुरू होती है तो वो है साउथ कोरिया, जहां 60% लोग अपने को नास्तिक मानते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट एक दौर में यूरोप में रहा हो या आज इस्कॉन का मूवमेंट हो, इसमें से कोई भी न भारत सरकार या भारत की किसी भी सरकार के द्वारा समर्थित है न किसी हिंदू समाज के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, परंतु वह पूरे क्रिश्चियन यूरोप से लेके मुस्लिम इंडोनेशिया तक और थाईलैंड से लेके नास्तिक साउथ कोरिया तक सबके सब उस प्रतीकों को मानते हो, तो मैं चुनौती से कहता हूं कोई दूसरी संस्कृति धर्म संप्रदाय बता दीजिए जहां उसको न मानने वाला भी उतनी ही श्रद्धा रखता हो जितना कि आप रखते हैं।
कभी बैंकॉक में जाइए तो जो थाईलैंड के राजा का पुराना महल दिखाया जाता है उसके चारों तरफ 256 गरुड़ बने हैं, और गाइड से पूछिए गरुड़ क्यों बने हैं, तो कहता है इन अवर कल्चर किंग इज कंसीडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉड विष्णु एंड सिंस गरुड़ इज द व्हीकल ऑफ विष्णु सो एंटायर पैलेस इज डिजाइंड इन सच ए वे एज इफ इट इज सिचुएटेड ऑन द बैक ऑफ गरुड़। आप बताइए, ये हमारा विस्तार। और इतना ही नहीं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जाके देखिएगा मंगोलिया में जितने बड़े बड़े मकबरे हैं इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, नेट पे जाके फोटो ही देख लीजिएगा, उसके बाहर त्रिशूल और श्रृंगी दोनों लगे हैं। क्यों? कभी पूछिए कि मंगोलों का धर्म क्या था तो इतिहास जब पढ़ाते तेंद्रिन था। अरे भाई तेंद्रिन कुछ नहीं था, तंत्र का ही अपभ्रंश तेंद्रिन था, और तंत्र के देवता शिव हैं, इसीलिए वहां पर त्रिशूल आपको दिखाई पड़ता है। मंगोलिया की संसद के ऊपर सबसे बड़ी मूर्ति आप देखेंगे एक विशाल घोड़े की मूर्ति है। वो घोड़ा कौन है? मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री थे जो मंगोलिया गए, वरना आज तक कोई प्रधानमंत्री मंगोलिया गया ही नहीं था। तो वहां के प्रधानमंत्री ने लौटते समय मोदी जी को क्या भेंट किया? एक घोड़ा। वहां घोड़े की जो, इसीलिए घोड़ा वहां बड़ा पवित्र माना जाता है, इसीलिए संसद के भवन के ऊपर घोड़े की मूर्ति बनी है, और उस घोड़े का नाम है कनथक। और कनथक किसके घोड़े का नाम था? भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कनथक था। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, वैसे भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कनथक था। अब आप सोचिए कितना व्याप हमारा दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में है। और इससे हमें समझ में आता है कि हमारा स्पेस में वैक्यूम, स्पेस में प्रभाव कितना है। और इतना ही नहीं है, स्पेस में हम इस धरती तक सीमित नहीं है, हम वो पहली संस्कृति हैं जिसने तारों की भाषा दुनिया को सिखाई, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने आकाश से गंगा निकाली और जिसने सागर पर सेतु बनाया। मैं तो यह भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जिन लोगों को लगता हो कि यह कल्पना है, वैसे तो वो आपके अज्ञान के कारण कल्पना लगती, जैसे बहुत सी चीजें विज्ञान की आज से 100-150 साल पहले कल्पना लगती थी, पर उनसे पूछ लो कि भाई ऐसी कल्पना भी तुम क्यों नहीं कर पाए, उसके लिए भी तो इतनी विराट दृष्टि चाहिए कि आप आकाश गंगा तक सोच सकें। तो इससे आप समझिए कि स्पेस में हमारा विस्तार कहां तक था। अब टाइम पे आइए, अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने अपना नव वर्ष मनाया, तो अभी क्या चल रहा है? ईसवी संवत 2021, तो किसी का 2021 चल रहा है, किसी का 1400 से चल रहा है। हमारा वैसे टेक्निकली ही सबसे पुराना है, 2071, उससे पहले 5100 से अधिक युधिष्ठिर संवत, और हमारा सबसे पुराना संवत क्या है? ब्रह्म संवत, जो 1,97,40,28,000 कुछ सौ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, वहां तक 1.97 बिलियन ईयर्स। बाकी दुनिया में कोई भी सभ्यता